ए मिस्टर, ये क्या है? हाथ हटाओ। पहले आप अपना पैर हटाओ। 5 ग्राम के गुलाब को 50 किलो का गुलाब कुचल देगा तो कैसे लगेगा बताओ? मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो या मुझे इम्प्रेस कर रहे हो? खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वेलकम टू इंडिया, आकाश। ओह, डैड ने बताया था। बाय द वे, आई एम श्रद्धा, फुल्ली ट्रेडिशनल। प्यार का कोई ओपिनियन नहीं, पेरेंट्स के सिलेक्शन पर कोई शक नहीं। सावित्री माँ को बहुत मानती हो, सलमान खान के लिए पागल। अमेजिंग, पूरा प्रोफाइल जानते हो। और नहीं तो क्या, बचपन से ही गूगल जैसा हूँ। घबराइए मत, आपको वेलकम करने आए हैं, मैं थैंक्स कह के आता हूँ। ओके, टुकड़े टुकड़े कर दो और नागराज को पार्सल कर दो। क्या हुआ बे? कुछ नहीं भाई। ये टकलू क्यों करवाया? फैशन के लिए। अच्छा, इस फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा, लेकिन मुझे मारने वाला हथियार अब तक बना नहीं, ना ही बनेगा। मेक एन ऑर्डर। मैं उसे कह रहा था किसी को अकेले मत भेजो, लेकिन वो तारीफों के फूल बांधे जा रहा है। मेरे सर ठीक ही कह रहे थे, मैं अकेला गया था इसलिए बेटी सेफली घर पहुंची है। अगर आपने 100 लोगों को भेजा होता तो पहला सोचता दूसरा बचाएगा, दूसरा सोचता तीसरा बचाएगा, और कंफ्यूजन हो गया होता तो तुम आज जो अपनी बेटी को देख के खुश हो रहे हो ना, वो यहाँ नहीं पहुंचती। वैसे इतनी सावधानी बरतने के बावजूद उसे प्लान का कैसे पता चला? मैंने इन्फॉर्म किया था। तुमने ही फंसाया, फिर तुमने ही बचाया। मेरी बेटी को मारना चाहता था क्या? गनी रेड्डी की उस हिम्मत को मारना चाहता था।
वो कब अटैक करेगा सोचकर हमें नहीं डरना है सर। अब आगे जब भी वो अटैक करेगा वो 10 बार सोचेगा और डरेगा, इसीलिए मैंने ही उसे बुलवाया। मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। मैंने जो किया आपको गलत लगे तो मेरे सर से शिकायत कीजिए, अगर सही लगे तो बेटी के लौटने का जश्न मनाइए। एक्सक्यूज मी सर, सीएम साहब बात करना चाहते हैं। हाँ सर। ठीक है सर, मैं अपने डीजीपी साहब को बोल दूंगा, काम हो जाएगा सर। हाँ बिटिया आ गई है सर, इस रविवार को डिनर हम सब साथ में करते हैं सर। ठीक है सर। हाँ सुनो पिए। यस सर। उस डीजीपी को चैम्बर में बुलाओ, एसपी महेश चंद्र का ट्रांसफर करवाना है। क्या बिटिया, इतने सालों बाद घर आकर तुम सॉस बटर ब्रेड खा रही हो, पूरी और पराठे नहीं खा सकती क्या तुम? ये इसे क्रैश डाइट कहती है। मेरा तो क्रैश डाइट है, लेकिन चाचू कंप्लीट डाइट पर क्यों है? डाइटिंग नहीं है बेटी, फाइटिंग है। इतने सालों बाद तुम घर आई हो, अब भी भैया मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो इस जन्म में नहीं होगा। क्या डैड, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं, आपकी अब भी चाचू से बातचीत बंद है? उसे वो पागलपन छोड़ने को, मैं बात करता हूँ। पागलपन नहीं है भैया, पैशन है, पसंद है, जान है। मुझे काटोगे तो खून नहीं बहेगा, कला बहेगी। बॉलीवुड में कल का उभरता बहुत बड़ा हीरो हूँ मैं भैया। देखा ना बेटी, हमारी यहाँ क्या हालत है। एग्जैक्टली भैया, कल को ऑडियंस भी इसी तरह से झटका खाएंगे, स्क्रीन फाड़ देंगे मेरी एक्टिंग देखकर। हाँ जेठ जी, आपके सामने थोड़ा शर्माते जरूर हैं, लेकिन ये एक हीरो से कम नहीं है। इसे चश्मे की जरूरत है। जरा समझे ना ताऊ जी, सुपरमैन की ड्रेस पहनेंगे तो डैडी ऑसम लगेंगे। प्लीज एक ब्रेक दीजिए ना डैडी को। देख लो बिटिया, MLA बनो कहता हूँ तो हीरो बनूंगा कहकर पूरी फैमिली को बिगाड़ रखा। मैं फैमिली को बिगाड़ने के लिए नहीं भैया, एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे हीरो बनने के बाद आपको ही फायदा है। आजकल इलेक्शन में हीरो को पार्टी की पब्लिसिटी में बुलाओ तो कितने वोट मिलते हैं। अरे सुपरस्टार बनने के बाद मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। एक बात कही जाती है, हर पॉलिटिशियन के साथ एक फिल्म स्टार होना चाहिए, मेरी तरह। बता दो इसे, अगर ये आदमी एक और शब्द बोला तो इसे गाँव भेज दूंगा। वहाँ क्या करूँगा, वहाँ जाकर खेती बाड़ी करूँगा क्या? ए चाचा, मेरा ब्रेकफास्ट वैनिटी में लगा दो, ना ये बदलेंगे ना इनका एटीट्यूड बदलेगा। समझते ही नहीं है, इनके सीएम बनने का मैं इकलौता जरिया हूँ। सुबह से ढूंढ रही हूँ, आकाश कहाँ है? आकाश वो हमारा स्टाफ नहीं है बेटी, शंभू अंकल के पास काम करता है।